फ्रेंड्स और बात करेंगे लालीगा मैच जो कि बार्सिलोना और मायोर्का के बीच में है। देखिए अब सिर्फ कुछ ही 4-5 मैचेस रह गए हैं लालीगा में भी, बाकी सारी लीग्स में भी। तो बार्सिलोना को लास्ट के 2 गेम्स में अपने होम ग्राउंड पे हार देखने को मिली थी और उनको ये मैच जीतने का बहुत अच्छा मौका है। हालांकि मायोर्का जो है इस समय 15वीं पोजीशन पर है और उन जस्ट रेलिगेशन से हल्का सा ऊपर है, और हमें लगता है कि उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए अगर वो जीतना चाहेंगे ये लीग। तो क्योंकि अगर वो गेम हार जाएंगे मायोर्का तो उनके पास भी एक रेलिगेशन का एक जो बैटल है और इंटेंसीफाई होगा और उनके लिए एक थ्रेटनिंग पोजीशन हो जाएगी। देखिए बीच में काफ़ी अच्छा, जब से यहाँ पर ज़ेवी एज अ मैनेजर बने बार्सिलोना के तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव इन्होंने किया है, और इस समय जो वो जॉइंट सेकंड है 15 पॉइंट्स पीछे हैं रियल मैड्रिड से, जो कि इस बार भी लालीगा के चैंपियंस बनेंगे। और यहाँ पर एक थोड़ा सा खतरा बार्सिलोना के लिए क्या है कि वो और सेविया में पॉइंट्स अंतर नहीं है, दोनों 63 पॉइंट में हैं, और फोर्थ पोजिशन पर एथलेटिको मैड्रिड है जो कि वो भी उनसे सिर्फ 2 पॉइंट ही पीछे है। तो अगर वो ये गेम हारते हैं तो बाकी टीम्स कैचअप कर सकती हैं, उनसे आगे निकल सकती है, तो इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि वो काफ़ी अच्छा खेलें और इस गेम को जीत सकें। अब देखिए इसके बाद जो 4 मैचेस बार्सिलोना के पड़े हैं वो रियल बेटिस, सेल्टा विगो, गेटाफे और विला रियल के हैं, और मैचेस थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है कि हम देखेंगे वो चैम्पियंस लीग में नहीं करेंगे, लेकिन इस गेम में कोई भी कंप्लेसेंसी वो नहीं कर सकते। लास्ट के 2 रिजल्ट्स अगर मैं बार्सिलोना के बताऊं तो वो कैडिस से अपने घर पे 1-0 हार गए थे और रॉयल वालकानो से भी अपने घर पे 1-0 हार गए थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन इस दोनों फिक्चर्स की मैं बात करूं जो बार्सिलोना मायोर्का के बीच में जो मैचेस रहे हैं उसमें 2010 के बाद आज तक बार्सिलोना इनसे कभी नहीं हारी और रादर हर मैच जीती है और मायोर्का कोई पॉइंट ले ही नहीं पाया है। तो देखिए अब हम अगर बात करें टीम्स की और प्लेयर्स की, तो देखिए कुछ कुछ मैं आपको बताता हूँ कि बार्सिलोना के लिए कई प्लेयर्स जो ब्रेथवेट हैं, जो इनके फॉरवर्ड हैं, उनको भी कोविड पॉजिटिव है। ऑस्कर मेंगुएजा को भी कोविड पॉजिटिव है, तो ये दोनों ही नहीं खेलेंगे। वहीं पर सर्जी रॉबर्टो हो गए, पेड्री हो गए जो कि बहुत ही कमाल के यंगस्टर हैं, ये लोग भी अनअवेलेबल हैं, और अंजू फाटी और सैमुअल उमटीटी का भी पता नहीं कि वो इस गेम में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब देखिए जो प्लेयर्स जो आगे खेलते हैं वहाँ पर ओसमे डेम्बेले एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। डेम्बेले को हम सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बार्सिलोना के लिए असिस्ट जो है सीज़न डेम्बेले ने किए हैं, 1 गोल किया है लेकिन 11 असिस्ट 13 स्टार्ट्स में किए, तो हर मैच पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें ये स्टार्ट करते हैं। वहीं पर हमने सर्जियो बुस्केट को लिया है, देखिए ये एक वेटरन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 33 वर्षीय, गोल इन्होंने एक ही किया सर्जियो बुस्केट ने, लेकिन आप अगर इनके इंटरसेप्शन टैकल्स ये आपको कंसिस्टेंटली 30 से 40 पॉइंट रादर आपको हर मैच में ये दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैकल 63 इन्होंने जीते हैं अपनी टीम के लिए और सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन भी 46 इन्होंने किए हैं। वहीं पर आप डेजोंग की बात करें, फ्रैंकी डेजोंग मिडफील्डर है नेदरलैंड्स के, 24 इंटरसेप्शन 23 टैकल, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ द फील्ड भी इन्होंने 6 गोल किए हैं, तो ये अगर स्टार्ट करेंगे तो ये आपको काफ़ी यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि डेजोंग और बुस्केट मिडफील्ड को काफ़ी अच्छा संभालेंगे और यहाँ पर डेम्बेले थोड़ा सा आगे खेलेंगे। वहीं पर अब मायोर्का की अगर बात करें, प्लेयर्स की बात करें, तो यहाँ पर रोड्रिगेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, डैनी रोड्रिगेज स्पैनिश मिडफील्डर, इन्होंने भी जो परफॉर्मेंस वाइज है अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा किया है, 3 गोल 3 असिस्ट किए 31 स्टार्ट्स में, ये ज़रूर टीम में होने चाहिए, तो ये 4 हमने मिडफील्डर लिए। आर्सेनल से साइन किए हुए ओबामियांग बार्सिलोना में जाके काफ़ी अच्छे एडजस्ट हुए हैं, क्योंकि जो आर्सेनल में उनके स्ट्रगलिंग थी, चाहे वो उनका गेम था चाहे वो उनका डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड था, वो सबको पीछे हटाकर 9 स्टार्ट्स में 9 गोल किए हैं, और क्योंकि मेम्फिस डिपाई अवेलेबल अभी नहीं है तो ओबामियांग यहाँ नंबर 1 पिक होंगे। वहीं पर मैन सिटी से साइन हुए फरेन टॉरेस, 22 वर्षीय प्लेयर, 12 स्टार्ट में 4 गोल 4 असिस्ट किए, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो ये दोनों प्लेयर्स आप अपनी टीम में ज़रूर फॉरवर्ड लीजिए। और वहीं पर हमने मायोर्का के लिए प्रैट्स को लिया, देखिए प्रैट्स भी एक डिसेंट फॉर्म में प्लेयर हैं, और इनके भी अगर मैं स्टैट्स के बारे में बताऊं तो 2 गोल इन्होंने 5 स्टार्ट्स में किए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इनको इग्नोर मत करिए, ये अगर मायोर्का कुछ भी करता तो इसमें इनका हाथ हो सकता है। डिफेंडर्स की बात करूँ, देखिए हमने जोर्डी एल्बा को लिया है, हमने बफेयो को लिया है, जोर्डी एल्बा अब बहुत ही वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट
लेफ्ट बैक माने जाते हैं और बार्सिलोना के लिए काफ़ी एक ट्रू सोल्जर की तरह खेलते हैं। और यहाँ पर देखिए, इनको लेना, जॉर्डी अल्बा ने एक गोल किया लेकिन 8 असिस्ट एक डिफेंडर के लिए, इनकी वही फॉर्म है जो बेसिकली लिवरपूल के लिए एंड्रू रॉबर्टसन की है, या ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की है, या मैन सिटी के लिए जाओ कंसेलो की है। मायोका के लिए सबसे इन्फ्लुएंशियल डिफेंडर मफेयो रहे हैं। देखिए, किसी भी डिफेंडर के अगर 9.5 की वैल्यू तो आप समझ सकते हैं वो टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कि इन्होंने एक गोल 2 असिस्ट ही हैं क्योंकि मायोका ने इतने गोल नहीं किए हैं, लेकिन आप मफेयो की अगर बात करें तो 64 क्रॉसेस, सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, 62 इंटरसेप्शन, 52 टैंकल, ये बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है इनका, इस वजह से यहाँ लिया। वहीं पर सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर मायोका के ओलिवियन हैं। ओलिवियन ने 72 क्रॉसेस, जो कि हाईएस्ट है अपने टीम के लिए, 31 इंटरसेप्शंस और 31 इंटरसेप्शंस किए हैं, तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। यहाँ पर हमने बार्सिलोना के ओबामियांग को कैप्टन लिया है और डेम्बेले को वाइस कैप्टन लिया है, तो ये टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट टीम रहेगी, आपको ये जिता सकती है। हमें लगता है कि इसमें लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद अगर कोई भी चेंजेस होंगे हम आपको वो बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी भी ड्रीम 11 टीम्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलिए। धन्यवाद।